ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आई है बुलडोजर एक्शन को लेकर, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर टिप्पणी भी की है। पूरा मामला आपको हम बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई हुई है और इसमें यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के वकील फारूक रशीद की तरफ से कहा गया कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने, उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही। यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका भी नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बगैर पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर भी बोला है। क्या कहा है आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि बुलडोजर एक्शन किन किन राज्यों में हुआ है या हो रहा है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बुलडोजर से मकान गिराने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश से सबसे पहले शुरू हुई एक्शन की। यहां तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा बुलडोजर चला कि सीएम योगी को आम लोग बुलडोजर बाबा तक कहने लगे। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव जब हुए तो यूपी में कमल के निशान के साथ साथ बुलडोजर भी प्रचार प्रसार का सिंबल बन गया था। वहीं कोई भी अपराध होने पर, अपराधी पर लोगों की तरफ से बुलडोजर एक्शन लेने की मांग तक होने लगी। ये मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। बुलडोजर का जोर ऐसा चला कि महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक इसका दम दिखना शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर का जोर नजर भी आने लगा है। हालांकि घटनाओं का अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में दो आरोपियों की छह संपत्तियों को तोड़ा गया। मुरादाबाद में विवाहिता को अगवा करने की कोशिश करने वाले के घर पर बुलडोजर चलाया गया। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के माता पिता और भाई को गोली मार दी थी। उधर बरेली में भी रोटी के विवाद में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद होटल मालिक जीशान का होटल जमींदोज कर दिया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी हाल ही में बुलडोजर एक्शन लिया गया था। पुलिस थाने पर पथराव का मामला आपको मालूम होगा। आरोपी की कोठी को गिरा दिया गया, जमींदोज किया गया। घटना के 24 घंटे के भीतर सरकार ने 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ की इस हवेली को गिरा दिया था और कई लग्जरी गाड़ियां इसमें आ गई। जब यह कार्रवाई हुई तो परिवार का कोई सदस्य यहां पर नहीं था। उधर राजस्थान के उदयपुर की घटना कहां भूलें, दो बच्चों में चाकूबाजी की घटना हुई और बुलडोजर उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे के घर पर चला दिया गया। इसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुआ था। लोगों ने मांग की थी 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था। बुलडोजर एक्शन के मामले अगर देश में देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए और इन्हीं मामलों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई तो नहीं की जा सकती। वहीं बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी पर केंद्र सरकार की तरफ से भी जवाब पेश किया गया। मसलन कोर्ट ने कहा कि हम यहां पर अवैध अतिक्रमण के बारे में तो बात नहीं कर रहे, इस मामले से जुड़े पक्ष इसमें सुझाव दें, हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसीलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया, आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। हालांकि आपको बता दें कि एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा बताया जाता है, लेकिन बुलडोजर एक्शन की असल शुरुआत तो एमपी से हुई थी। 90 के दशक में बुलडोजर विकास का प्रतीक बताया जाने लगा था और एमपी के पूर्व सीएम दिवंगत बाबूलाल गौर जब पटवा सरकार थी तब नगरी प्रशासन मंत्री हुआ करते थे और बुलडोजर से उन्होंने खूब एक्शन लिया, तब उन्हें बुलडोजर मंत्री भी कहा जाने लगा था। हालांकि 2017 में जब योगी ने बुलडोजर को यूपी में कानून व्यवस्था से जोड़ा तो इसी मॉडल को 2018 में कमलनाथ सरकार ने अपना लिया और फिर जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो बुलडोजर की कार्रवाइयों में और तेजी आई।
अब जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं, तब भी बुलडोजर एमपी में जोर से गरज रहा है। वैसे आपको बता दें कि मामले की इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है मामला, इसकी सुनवाई की तारीख अगली तय हो चुकी है, 17 सितंबर इसकी तारीख है। अब देखना होगा कि 17 सितंबर को इस पूरे मामले में कोर्ट में क्या कुछ होता है।